Life is a blessing for all those who know how to live it at its fullest. अगर आपको जिंदगी जीना आ जाए, जीने की कला आ जाए, तो आपकी ये जिंदगी बहुत खुशनुमा हो सकती है और आपको बहुत सारे तोहफे दे सकती है। मगर अगर आपकी ये फितरत है कि आप रोते हुए कलपते हुए अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो वो फिर आपके साथ ताउम्र रहेगी। मंथन में जो मेरे मेहमान आते हैं, वो मुझे ये सिखाते हैं कि जिंदगी को हम किस तरीके से जी सकते हैं, है ना। तो आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है, उन्होंने भी बहुत ही कम उम्र में समझ लिया था कि उन्हें जीना कैसे है, और आज वो लोगों को अपने द्वारा किए गए कामों से बहुत प्रेरित करते हैं। आज मैंने आमंत्रित किया है उत्कर्ष जी को। उनका नाम है उत्कर्ष वर्मा और वो एक बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी एमसी हैं, एंकर हैं, एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं। और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि बहुत कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी काबिलियतों को उन्होंने खुद के अंदर एक्सप्लोर किया और दुनिया के सामने लेकर आए हैं। अभी हाल फिलहाल में वो बहुत चर्चा में है अपनी फिल्म मिशन काशी को लेकर के। मिशन काशी को भारत में नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने इतना काम किया है मिशन काशी के ऊपर, उसे हम जान तो लें कि आखिर मिशन काशी बनाने के पीछे मंशा क्या थी उनकी और उनके पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो मैं यहाँ भेजती हूँ उत्कर्ष जी को एक जल्दी से मैसेज और रिक्वेस्ट और उनसे करते हैं हम बातें। वेलकम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे शब्दों के लिए। थैंक यू, मैं बहुत ही बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हूँ आपसे बात करके यहाँ। थैंक यू सो मच मैम, वी लव यू। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। असल में तो थैंक यू मुझे आपको कहना चाहिए कि आपने समय दिया, और वो भी मतलब इतना आपका बिजी टाइम चल रहा है कि आजकल आप लोग फिल्म प्रमोशन में लगे हुए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं आप, और उस बीच में आपने टाइम निकाला मेरे लिए। आपके शो पे आना ना, मेरा एक जैसे होता है ना विश लिस्ट में होना, तो मुझे लगता है कि वो चीज था। और देखिए ये था कि मुझे योग्यता मैम के शो पे जाना है मंथन में, ये मेरे विश लिस्ट में था, आज वो पता नहीं कैसे वो पूरा हो गया है। ये वाकई बहुत ज्यादा शुक्रिया मैम, बहुत ज्यादा धन्यवाद। अब आपको पता नहीं आपने मुझे निशब्द कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उत्कर्ष जी, आप एक सेलिब्रिटी एमसी हैं, है ना, आप मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनालिटी हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बहुत कुछ करते करते अचानक आपको मिशन काशी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं इसके पहले मैं, तो मिशन काशी के बारे में कहां से शुरू करूं, क्या शुरू करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मिशन काशी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मुझे लगता है सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को सुना, जब हमारे राइटर मनोज पांडे ने इसे बताया, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा मैसेज है जो कि पूरे विश्व भर में जाना चाहिए, पूरे सोसाइटी में ये चीजें बतानी चाहिए और एकता का संदेश देना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये सारा प्रोजेक्ट था। अब वो चीजें क्या थी डिटेलिंग में, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने वो तो मना किया है क्योंकि बोला है कि ऑडियंस जाके वो देखना चाहिए, सो मैं वो चीजें नहीं बता रहा हूँ। बट हाँ, एक सोसाइटी को मैसेज देती है मूवी और सोसाइटी को एक करने का काम करते हैं। हाँ, तो मिशन काशी से पहले आपने कहा कि आपने बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। मैं आपको ज्यादातर जानती हूँ एक एंकर के तौर पर जानती हूँ आपको, कई जगह पे मैंने आपको जजिंग करते हुए देखा है, फैशन शो हुआ या कुछ इस तरह के जितने भी शो होते हैं ग्लैमर वाले। तो आपने कब सोचा कि मुझे अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड क्या, अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ऐसा आपके मन में ख्याल कब आया? भाई तुम मतलब कि इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्यों करते हो, किसी एक चीज पे क्यों टिके रहते हैं? तो आपने अभी ऐसा पूछा कि आप हर जगह एक्सप्लोर करते हो, तो मुझे लगता है कि इंसान जब हर चीजों में देखता रहता है, हर चीजों में नई नई चीजें सीखता रहता है, तो वो ग्रो करता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थी जो मुझे इस तरफ खींच के लेके आ गई। एंड जो एमसी वाला प्लेटफॉर्म था, जो एंकर के तौर पर मेरा वो प्रोग्राम चल रहा था, मेरा मतलब कि उस वक्त मैंने कुछ क्राइम शोज भी होस्ट किए मैंने टीवी के लिए, फिर उसके बाद मैं सेलिब्रिटी इंटरव्यूज का हिस्सा रहा। पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब मेरा इंटरेस्ट जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आ रहा है, और मुझे लगा कि अब मैं ज्यादा लोगों तक रीच कर पाऊंगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो एक सोसाइटी को बदलने वाला मैसेज मैं इसके थ्रू जो है लोगों तक बता पाऊंगा। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इसी तरीके से इसमें जुड़ूं और लोगों तक अपना ये मैसेज जो है वो फैला सकूं।
अच्छा, आपने किस उम्र में स्टार्ट कर दिया था इस पहले प्रोफेशन में, आप कब आ गए थे आप? तो मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोर्स भी होता है। मैं साइंस अच्छा स्टूडेंट था, और जिस शहर से मैं आता हूँ बनारस से, वहां पे चीजें जो थी वो उतनी नहीं मिल पा रही है आपको, उतनी बारे उतनी चीजें नहीं पता चलती। तो मुझे अपने किसी कजन के थ्रू ये पता चला कि एक कोर्स होता है मास कम्युनिकेशन के नाम से, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इंजीनियरिंग का जो माइंडसेट है अच्छा उसको ड्रॉप करते हैं, अब इसके तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक मैंने मोटिवेशनल स्पीच सुना हुआ था कि तुम 9 to 5 जॉब करोगे, तो वो चीज करना चाहते हो या फिर अपना कुछ करना चाहते हो? तो लगता है कि उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया था और अपने ही दिशा में चल पड़ा था। तो इस वजह से जब मैंने स्कूल क्रॉस किया तो मुझे पता चला कि इस तरीके का कोर्स है, कि यहाँ के एक कॉलेज में होता है, और फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन। और फिर हाँ जब मैं जी, कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि अपना जो कॉलेज था वहाँ पे केवल रिटर्न वर्क ही हो रहा था मास कम्युनिकेशन को लेकर के, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा था। तो मुझे ये समझ में आया अच्छा कि मैं इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न वर्क करने नहीं आया हूँ, मैं इस चीज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें सीखने आया हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने कुछ शोज में गया, सबसे पहले ओपन माइक्स में गया, फिर धीरे धीरे करके और छोटे 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 जितने शोज होते थे मैं उसमें जाना शुरू किया। एंड मुझे याद है कि पहला शो जो मेरा आया वो अपने कॉलेज का मेरा फ्रेशर पार्टी था, हाँ देन वहां पे कुछ लोग आए थे जिनको वो बहुत पसंद आया था हमारी होस्टिंग, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। नरेंद्र मोदी का एक शो हो रहा था गवर्नमेंट का, जहाँ पे मुझे वो याद हो तो वो मेरा पहला वाह, शो था जब मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पहला शो किया था गवर्नमेंट के लिए। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं इस तरफ इंस्पायर की कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। फिर जब मैं इधर आया तो फिर मैं जुड़ता गया लोगों से और नई नई चीजें मैं एक्सप्लोर करता हुआ आगे बढ़ता गया इसमें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप हमारे बनारस के हैं ना, बनारस से मेरा वैसे भी बहुत जबरदस्त रिश्ता है, तो मैं थोड़ी सी बायस हो जाती हूँ बनारस सुनते ही, है ना, कुछ कुछ होने लगता है मुझे कि भाई हमारे बनारस का कोई लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, आपने मिशन काशी जो बनाई, आप भारत के अलावा आप अलग अलग देशों में भी गए, आपने उसका प्रमोशन किया, और मैंने बहुत प्रमोशंस में देखा कि लोग बहुत खुश होके, बहुत ओवरवेल्म होके बाहर निकल रहे हैं। तो मेरे मन में ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा उसमें क्या खास है कि विदेशों में लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसने एक बार को भी कहा कि बस ठीक ही है ये। तो क्या बता पाएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जब आप बाहर विदेश में इसको, आप इसका प्रीमियर कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, तो क्या आपको जब हम रिस्पॉन्स गए मिला तो पर्सनल लोगों के बीच में लेवल पे? ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था मूवी को लेकर के, मिशन काशी को लेकर के, पर मुझे पता नहीं था कितना अच्छा रिस्पॉन्स होने आने वाला है। मुझे लगा कि चलो ठीक है, बस एक डर होता है ना, जब भी एक किसी नई चीज की शुरुआत करते हो आपको एक डर बना रहता है कि या तो ये एकदम फेल हो जाएगा या तो सक्सेस के राह पे आगे बढ़ जाएगा। और जब पहला प्रीमियर अपना हॉलीवुड में हुआ तो वो चीज फिर हम लोगों ने दूसरा प्रीमियर किया न्यूयॉर्क में, फिर न्यू जर्सी, फिर लास वेगस, इस तरीके से फॉरेन के अलग अलग हाँ, शहरों में हम लोगों ने, अभी लंदन में भी होने वाला है, कनाडा में भी होने वाला है। सो जब पहला अरे रिस्पॉन्स वाह, इतना अच्छा है, ऑडियंस ने खूब ज्यादा तारीफ की और एक अलग ही एक जोश से भर गए थे वो बहुत ज्यादा वहां पे, तो वो चीज देख के मुझे लगा कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, हमारे टीम ने ऐसा क्या कर दिया जो कि बहुत ज्यादा अलग है। सो ये चीज मुझे, मैं क्या बताऊँ, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो फिर और दूसरी चीज है कि भारत से ज्यादा ये अच्छा रिस्पॉन्स हमारे फॉरेन से आ रहा है, वहाँ के लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो यूनिटी दिखाई गई है, जो आजकल जो धर्म धर्म को लेकर के जो कट्टरता है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हिंदू मुसलमान और भी लोग, तो उन चीजों के को ये बताती है कि अगर हम एक हो जाए तो फिर भारत का रूप क्या होगा। और दूसरी चीज है कि आजकल जो एमएनएस का एक प्रचलन है, आपने सुना होगा कि किस तरीके से किसी की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है इस तरीके से, तो इस मूवी में वो दिखाने के लिए बात कही गई जी है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना यूजफुल है और कितना ही खतरनाक हो सकता है, ये हमारे देश को भी तबाह कर सकता है, और देश को यूनाइट करने के लिए हम किस तरीके से एक साथ आ सकते हैं, ये पूरी कहानी है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी है ये लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लग रही है और लोग खींचे चले आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ और लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। एंड देखिए, अभी अभी माहौल बड़ा गर्म भी चल रहा है ना, आजकल थोड़ा माहौल गर्म भी चल रहा है। काशी एक ऐसा विषय है जो कि बहुत हॉट भी चल रहा था, तो क्या इसे इसके ऊपर फिल्म बनाने के पीछे आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी थी? आपको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल अभी हॉट केक है, अभी फटाक से इसे बना लिया जाए, बाद में तो भीड़ मच जानी है, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बन जाएंगी बाद में, आपने ऐसा कुछ सोचा था क्या? मैम, जब प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान देता है, तो
जब प्रोड्यूसर पैसा वाह लगा रहा होता है, तो हमारे प्रोड्यूसर हैं इसमें मुकेश मोदी, तो कोई भी प्रोड्यूसर होता है सोचता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो कि जब हम इन्वेस्ट करें तो वो चीज हमारे पास कम बैक भी वो चीजें आ जाए, तो ये सारा प्रोसेस जी है। जी एंड मिशन काशी इसलिए क्योंकि तो काशी इधर बीच कुछ सालों में बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुका है, ये मतलब कि बहुत ज्यादा काशी अब वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। अभी इस बार की रिपोर्ट थी कि गोवा से ज्यादा विजिटर हमारे काशी में थे, तो गोवा काशी के हो गए हम, बाहर क्या जाने बात वालों में सबसे है ज्यादा, जो इस बार गोवा लोग ज्यादा नहीं गए, इस बार काशी लोग ज्यादा आए, तो काशी जो एक हॉट स्पॉट है, हाँ एंड काशी को बिल्कुल अब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ना पहले थी ना अब है, सो इसीलिए हमारा ये बिल्कुल था कि हम मिशन काशी के ऊपर लेकर। ओ गॉड, ये बहुत अच्छा है कि आपने, क्योंकि अब तो इसके पीछे लाइन लगने वाली है। आपने आपने इसे विदेश में ज्यादा आपने इसकी स्क्रीनिंग की, भारत में मुझे लगता है उसके मुकाबले मुझे जो समझ में आया कि थोड़ा सा कम। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? यहाँ पे आपको पता है हाँ कि रायता फैलता है बहुत जल्दी, इसलिए आप रुके हुए हैं कि राइट क्या मैम, क्या सबसे पहले जो होगा हमारे प्रोड्यूसर थे मुकेश मोदी जी, उनका ये फैसला था, क्योंकि वो एक्चुअली हॉलीवुड प्रोड्यूसर है, और मुकेश मोदी जी के बारे में बात करें तो अच्छा उन्होंने एक कश्मीर फाइल नाम की जो मूवी है वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। सो मुझे उनके साथ जी एक कश्मीर फाइल के टीम के साथ काम करने का जो मौका मिला मुझे, वो बहुत ज्यादा एक इंस्पायरिंग था। और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ये चीज सोची कि फॉरेन में इसका ये इसको टेलीकास्ट करना चाहिए, इसको रिलीज करना चाहिए, तो उनका ये मोटिव था कि जो हमारे देश में, जैसा कि आपने कहा कि बहुत जल्दी वो कंट्रोवर्सी फैल जाती है किसी चीज को लेकर के, तो वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी होता है तो राइट लगता है कि भाई अब हम इन चीजों से बच बच हाँ। पर उसके बाद जब शांत विदेश में सारी चीजें हो गई, जब फॉरन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसे इंडिया में भी अब इसको स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो पहला स्क्रीनिंग अभी न्यू दिल्ली में हाँ। होने वाला है, लखनऊ में होने वाला है, मुंबई मुंबई में ऑलरेडी स्क्रीनिंग हो चुकी है इसकी, और बाकी भारत के अलग अलग शहरों में इसका जो है अरे स्क्रीनिंग होने वाला है। और मुंबई में अभी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और बनारस में भी अभी हुआ था, मिशन काशी है तो बनारस में होना तय था, बनारस के लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा प्यार दिया। आपने बनारस के लोगों का नाम लिया, बड़े प्यारे होते हैं बनारस के लोग, है ना? मतलब उनके बारे में मैंने बहुत, मैं चूंकि वहां की वो पैदाइश है तो थोड़ा सा खून में तो बनारसीपन मेरे भी रहता ही है, तो मुझे वहां पे पता है कि वो लोग ना बड़े बिंदास होते हैं और दूसरों के फटे पे पैर पैर अड़ाने की थोड़ी सी आदत होती है तो आप लोगों ने शूटिंग करी कैसे वहां पे? क्योंकि मतलब आपको तसल्ली बख्श शांति से शूटिंग करने दिया गया, आपके शूटिंग में क्या इंटरफेरेंस उनकी होती नहीं थी? मतलब अपने आप को स्क्रीन में लाने वाली वो जो कवायद होती है ना उनकी, कि अरे हम भी थोड़ा दिख जाएं, मैम आप ऐसी ये वाली क्या आपके बात कर साथ रहे हो, नहीं आप भी हुई होगी? बनारस से हो अच्छा वही तो मैं समझ सकती हूँ मैं आपकी मुश्किलें समझना जी मैम, चाहती बनारस हूँ में जब शूट भाई कर रहे थे तो मैम तो बहुत ज्यादा टफ था शूट करना बनारस में, क्योंकि एक तो बनारस बहुत ज्यादा छोटा शहर है, और यहाँ के लोग ना अधिकतर जो होते हैं खलियर टाइप के होते हैं, तो अगर यहाँ पे किसी चीज की खुदाई भी चल रही हो ना, तो वो वहां पे खड़े हो जाते हैं और एक एक घंटे तक निहारते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे करा ऐसे, ये तो बड़ा मजा आएगा फिर बड़ी, तो कुछ और अगर किसी की डेथ सही हो जाती है कह तो भी वो रहे लोग पूरे दिन भर लगे रहते हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी रहलन, ई रहलन, तो वो कहीं ना नहीं खेलें, तो मतलब बड़ा फ्री टाइम रहता है सबके पास यहाँ पे बातचीत करने के लिए। तो जब हम शूटिंग कर रहे थे तो बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी, बहुत ज्यादा, हाँ और ये जो एक ये हमारी मूवी है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी मूवी थी, हो सकती थी, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने जरूर शूट किया अधिकतर मुस्लिम एरिया में ज्यादा किया, मुस्लिम इलाकों में ज्यादा किया इस मूवी का शूट, और मुस्लिम इलाकों में इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी मूवी शूट करना थोड़ा सा जो होता है वो टफ हो सकता है, क्योंकि वो लोग मतलब सोसाइटी जल्दी समझती नहीं चीज की, किस चीज के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं। मुद्दा जब शूट नहीं चल रही समझ थी में आया तो आपको? हाँ कैमरे पे सब टूट पड़ते थे, सब आना चाह रहे थे कहीं ना कहीं, तो फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने बोला कि भाई अब एक काम करते हैं, अब जो होता है एक फेक शूट करते हैं, फेक शूट करते हैं यानी कि कैमरा दूसरे जगह सेटअप करेंगे और अपना शॉट हम कहीं और निकालेंगे, तो अपना उन्होंने एक कैमरा एक अलग जगह शूट किया, और वहां पे मेरी स्टोरी ये आ गई कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक कैरेक्टर को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा तुम बकरी बेचो, क्योंकि वहां पे बहुत हाँ और वो अपना पूरे उसमें गेटअप में आ गया, वो बकरी बेचने लगा, और जब वो बकरी बेच
तो सारी जो बुकिंग थी वो एक ही जगह इकट्ठी हो गई, और फिर जाके फिर जो हमारा शूट का जो हिस्सा लेना था वो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो पाया, तो कुछ इस तरीके का। माय गॉड माय मैम बता, गॉड, मैं समझ सकती शूट हूँ ये करना, सिचुएशन. आप भले ही कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो पर लोग इस तरीके से टूट पड़ते हैं ना कि आप पूछो मत, तो बहुत ज्यादा टफ था यहाँ पे शूट करना। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब मुझे मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप ना खलीहर लोग हैं. बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्यार तो एकदम लुटाने के लिए तैयार बैठे थे आप, पता पूछिए आपके घर का भी छोड़ाएंगे, ऐसी वाली सिचुएशन है. और ये क्वालिटी बहुत बहुत कम लोगों में होती है, तो मुझे लगता है कि काशी के लोग जो है इसीलिए बहुत पॉपुलर भी हैं. अच्छा आपने क्या प्लान किया, मैम कब मूवी रिलीज की डेट जो आने वाली है ऑलरेडी आपकी इस इसको हम मूवी लोगों ने की? रिलीज कर दिया है ऐसे एक एप्लीकेशन जिसका नाम है एनडी फिल्म्स अच्छा, मूवी। तो ये एक ओहो, एप्लीकेशन यस है, यस ये एक यूएस बेस्ड एप्लीकेशन है इंडियन फिल्म्स वर्ल्ड, जिसपे ये मूवी जो है वो आ चुकी है। एंड ये 15 अक्टूबर को ही रिलीज ओके कर दिया गया था, बट उतना उसको एडवर्टीजमेंट उस वक्त उतना प्रमोशन नहीं किया गया। इसका प्रमोशन धीरे 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 करके यूएस से इसका चालू किया गया, न्यूयॉर्क से, फिर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिर लास हाँ वेगस, और भी कई जगहों पर जब किया गया तो फिर उसके बाद फिर इंडिया में भी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो इस एप्लीकेशन की खास बात ये है और इस मूवी को कि आप इस मूवी को जाके इस एप्लीकेशन पे जिसका नाम है एनडी फिल्म्स वर्ल्ड, आप ये मूवी यहाँ पे देख सकते हैं। तो थिएटर नहीं हाँ जाना चाहते हैं, जिनका मन है कि यस वो हम घर पे घर के कंफर्ट में ही देखें, तो ये मूवी आप देख सकते हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मूवी को आप अपने घर के अरे बिल्कुल बिल्कुल देखूंगी, बिल्कुल देखूंगी. उत्कर्षी, जैसे आपने अभी फिल्म की है, जी आप जिस प्रोफेशन में रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ना काम आज है और कल नहीं है वाली सिचुएशन रहती है ना, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, हमारे पास फिक्स जॉब है नहीं, तो फिक्स सैलरी भी नहीं होती है, आने को बहुत पैसे आ जाते हैं और जब नहीं आना होता तो कुछ टाइम तक फांसी में गुजारना पड़ता है. आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ये प्रेशराइज नहीं किया कि बेटा चुपचाप नौकरी वोकरी करो, मैं बाबू साहब बन के करो, क्या जरूरत है तुम्हें है कि तुम इस तरह के काम कर रहे हो, देखने में तो अच्छा लग रहा है बेटा लेकिन ये तुम्हारी शादी वादी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ एक्चुअली हुई है? मेरे पापा नहीं रहे बचपन से। मेरे पापा का ओह देहांत जब ओह मैं सो 3 साल सॉरी. का था तभी हो गया था। तो मेरे बड़े भाई थे और मम्मी थी, तो मम्मी धीरे धीरे करके हम लोगों ने किसी मम्मी ने धीरे धीरे करके सर्वाइवल किया हम लोगों का। फिर उसके बाद भैया बड़ा हो गया फिर उसके बाद ये मेरी स्टोरी कि भैया बड़ा हो गया, फिर वो अपने ही जॉब में लग गए थे। फिर जब मेरी बारी आई इस चीज में करने की, तो मम्मी का ये कहना था कि आप चुपचाप इंजीनियरिंग कर लो और उसी में आगे, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं रही था, मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा था, तो मेरा भी कहीं ना कहीं मन हो रहा था कि भाई कर लेते हैं। बट ये एक अंदर से कॉल आ रही थी मुझे कि तुम्हें ये चूज करना है, तुम्हें ये चूज करना है। और उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आज मैंने वो किया होगा तो मुझे लगता है कि मैं आज भी वहां पे एक अच्छे से सेटल होता कहीं ना कहीं। पर वो एक अंदर से मेरी कॉल आ रही थी कि भाई तुम इसी को चूज करो, ये फील्ड में जाओ, इस फील्ड में जाओ। तो मुझे एक 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 कहते हैं ना गट फीलिंग, एक गट कॉलिंग थी वहां से, कि वहां से मुझे एडवाइस मिला। तो मैं धीरे धीरे करके मैंने कहा कि मैं, सब मुझे मना कर रहे हैं, सब अगेंस्ट में थे उस वक्त जब मैं शुरू किया, तो कहते थे सब बड़ा बेकार है, ये वो है ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, कुछ इस तरीके वाला सीन था। क्योंकि अधिकतर बनारस एक छोटा सा शहर है और परिवार की मेंटेलिटी वही रहती है कि लोग सोच नहीं पाते आउट ऑफ द बॉक्स चीजें। तो जब मैंने शुरुआत किया तो बहुत ज्यादा टफ था, बट धीरे धीरे ऊपर वाले की दया से, आपके आशीर्वाद से आज मैं आपके अरे अब आप जैसे फिल्मों में आ रहे हैं, तो अब वो वही पड़ोसी जो कहते थे कि अरे बेमत में पता नहीं कहाँ जा रहा है, पैसे बर्बाद करेगा है ना, और वापस आएगा देखना कल को वापस आ जाएगा, अब उनके रिएक्शंस क्या, वो रिश्तेदारी निकालते हैं वापस, अरे देखो उत्कर्ष हमारा पड़ोसी है मैम ऐसा हमारे होता है, भैया लोग है लोग जब मैं मतलब अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं कहीं रास्ते में रहता हूँ तो लोग आके मुझसे बड़े प्यार से मिलते हैं और लोग मिलना चाहते हैं, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। एक अंदर ही अंदर वो फील लेके आती है। और जब ये सारी चीजें हो रही है तो बहुत सारे लोग थे उस वक्त जो कहते थे कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, लोग कह नहीं देते हैं कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम ये ऐसे करो एक दिन सक्सेस मिल जाएगी। आज जब मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ तो वो लोग अब मुझसे बात नहीं करना चाहते अरे आप बिल्कुल
हाँ, दो तरीके के लोग होते दोनों हैं, तो तरह एक के लोग अंदर हैं के इधर आप। कहीं ना कहीं एक जेलेसी है क्या है मुझे समझ में नहीं आता, पर मैं उससे मिलकर बताना चाहता हूँ आज आपके इंटरव्यू के थ्रू भी बताना चाहता हूँ कि देखो भाई मैं योगिता मैम के शो में पहुंच गया हूँ तुम्हारे ही आशीर्वाद से जो तुमने कभी मुझे झूठ मूठ कर दिया। आप बहुत आगे बढ़ेंगे, मेरा शो तो बस एक शुरुआत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लोगों ने इसको हमेशा ग्रेसफुल बनाया है, वरना चीजें तो वैसे ही होती हैं, हर जगह ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन आप जैसे लोग उसे बहुत ग्रेसफुल बनाते हैं और यही मेरे लिए बहुत एंगल सौभाग्य मैम, की बात है। पहली बार पता थैंक नहीं मेरा आपसे यू। कनेक्शन कैसे हुआ, पर जब मैंने देखा वो चीज की मैंने आपको इंस्टाग्राम पे जब पहली बार देखा तो मैंने पता नहीं मैं एक अजीब सा अट्रैक्ट हो गया आपके तरफ, मुझे एक मुझे एक वो एक बनारसी बनारसी हिंट आया से है होगा गुरु और मान कुछ सर, तो नहीं। वैसा वाला चीज आया होगा कहीं ना कहीं, पर जब वही कहते हैं ना वही कि वही वही कुछ रिश्ते यूं ही नहीं जुड़ते जुड़ते, पिछले जन्मों का नाता भी होता, तो मुझे लगता है कि शायद मैम वो आपसे है कहीं ना कहीं, तभी हमारी कभी नहीं इतनी नहीं ज्यादा बिल्कुल बातचीत है, नहीं हुई है बिल्कुल कभी भी, बट बिल्कुल एक अजीब कभी हाँ नहीं। पर शायद ये फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव में हाँ इतनी पर इतनी बातें कर रहे हैं। राइट राइट। अरे जसप्रीत जी कुछ पूछ रही है, माफ कीजिए जसप्रीत जी, बोल रही है काइंडली रिपीट द नेम ऑफ द ऐप इफ यू कैन स्पेल ओके इट। अच्छा उनको स्पेलिंग सो के इट साथ इज अ, बता मैं दीजिए। यहाँ से एक पोस्टर उखाड़ लेता हूँ पकड़ो, सो क्योंकि वो हाँ मैम, ऑपोजिट दिखेगा ना ओके इसपे स्क्रीन पे, INDI। हाँ ऑपोजिट दिखेगा। INDIFILMS वर्ल्ड WORLD IndieFilmsWorld.com, सो आप हाँ उसके हम लोग लाइव के बाद इसे टाइप भी कर देंगे, इसको लाइव के बाद ना टाइप भी कर देंगे वेबसाइट भी अपने है स्पीच पर, और है ना। इसका एप्लीकेशन भी है, तो आप उस पर जाएं और देख लें और याद रखें मेहनत करते रहें, क्योंकि मेरी विश लिस्ट जो यहाँ पे थी वो पूरी हो चुकी है योगिता मैम के शो पे आने की तो आपकी भी जल्दी पूरी हो जाएगी। थैंक यू जसप्रीत मैम भी बहुत तारीफ करी। थैंक यू जसप्रीत मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात जी बताइए उत्कर्षी, आपका कोई अब बड़ा सा ड्रीम है जो आपको लगता है कि अभी वो पूरा होना मेरा एक बाकी है? ड्रीम था मैम कि मैं हॉलीवुड में जाऊं, वहां पे खुद को रिप्रेजेंट करूं, और मुझे लगता है कि इस बार ऊपर वाली की दया से उसकी शुरुआत हुई कि मैं हॉलीवुड में पहुंच गया। मेरे शुरुआत हाँ मेरे लिए तो कर सकते अनएक्सपेक्टेड था कि हैं। मैं एक मतलब कि लोगों का ड्रीम होता है कि हम कभी पहुंचेंगे कभी करेंगे, और मैं वहां पे हॉलीवुड में होके आया, तो मेरे लिए एक बहुत ज्यादा गर्व की बात थी ये चीज, तो मुझे लगा कि भाई वो चीजें पूरी हो गई हैं। हाँ मैम, कुछ चीजें बिल्कुल हैं कुछ ड्रीम्स हैं मेरे, जैसे कि आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करना, कुछ साथ में कुछ बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करना, तो मेरे कुछ सपने हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी पूरे होंगे। सो अभी लास्ट टाइम मेरी प्रोजेक्ट थी ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल उसमें भी मैं था बिल्कुल। ब्रह्मास्त्र हाँ, आपने शायद उसका भी मेंशन किया थी, था, फिर मुझे उसके याद आ रहा है। पहले एक बहुत ही एक पॉपुलर मूवी थी आई स्मार्ट शंकर, जिसने 110 करोड़ की अर्निंग की थी, सो उस प्रोजेक्ट में एकता कपूर के साथ भी मैं कई ओ प्रोजेक्ट्स में रह चुका हूँ, सो एक